इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अल्मीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अल्मीरा। नमस्कार साथियों, मैं केंद्र सरकार से आज पूछना चाहता हूं कि वो आईआईटी जेईई और नीट परीक्षा को अमीर और गरीब के बीच में भेद की एक दीवार क्यों बनाना चाहती है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, बहुत गंभीरता से अपनी बात कह रहा हूं। आज एक उदाहरण देता हूं कि आज झारखंड में आईआईटी जेईई के 5 सेंटर है और 24 जिले हैं। कम से कम 10 जिले ऐसे हैं जहां से नियरेस्ट जो परीक्षा सेंटर है वो 200 किलोमीटर से ज्यादा की डिस्टेंस का है। क्या आज लॉजिस्टिकली सरकारी बसें या ट्रेन उपलब्ध हैं वो उस जगह से नियरेस्ट सेंटर तक पहुंचने के लिए? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या आपने कोई व्यवस्था की है कि इस कोरोना काल में बसें चल रही हो उस डिस्ट्रिक्ट जहां पे बच्चा रहता है वहां से लेकर जो नियरेस्ट जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां तक कोई लॉजिस्टिक साधन है, कोई बस चल रही है? क्या आपने ऐसी व्यवस्था की है? क्या आपने राज्यों को कॉन्फिडेंस में लिया कि किस तरह इस परीक्षा के लिए 25 लाख लोग इधर से उधर जाएंगे? क्या आपने उसकी ब्लूप्रिंट बनाई? क्या प्लानिंग करी? क्या आपने इस चीज की प्लानिंग करी कि जो एसओपीज आपने परीक्षा के लिए बनाए उसको आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे कि वो सिर्फ एसओपी सिर्फ कागजी एसओपीज होंगे? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर इस दौरान, क्योंकि वो बच्चे अकेले परीक्षा केंद्र में नहीं जाते हैं, जनरली बच्चों के साथ बड़ा भाई, बड़ी बहन, माता या पिता होती है, क्योंकि वो उम्र में बच्चों को जिस तरह का प्रेशर होता है परीक्षा का, उनके साथ उनके परिवार का एक सदस्य चलता है। क्या उस सदस्य के लिए कोई व्यवस्था हुई है कि उसको इस दौरान अगर कोरोना संक्रमण हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, कोई भी बच्चा और कोई भी अभिभावक परीक्षाओं के खिलाफ नहीं है, परीक्षाएं होनी चाहिए, पर परीक्षाएं करने से पहले मैं बार बार सरकार को कह रहा हूं, शिक्षा मंत्री जी को चिट्ठियां लिख लिख के कह रहा हूं, RID फॉर्मूला लगाइए, आप रिजॉल्व करिए, R का मतलब रिजॉल्व कीजिए सबसे पहले लॉजिस्टिक इश्यूज, आप व्यवस्था कीजिए, समुचित व्यवस्था कीजिए लॉजिस्टिक इश्यूज का। आई मतलब आप इनोवेट करिए करिकुलम को, क्योंकि ऑलरेडी 6 महीना तो आप बच्चों का लॉस्ट हो ही चुका है, तो ये 6 महीने की भरपाई आप आगे आने वाले 2 साल में किस तरह करोगे, पूरा करिकुलम डिजाइन करके और बच्चों को कम्युनिकेट कीजिए। तो आर मतलब रिजॉल्व द लॉजिस्टिक इश्यू, आई मतलब इनोवेट द करिकुलम एंड कम्युनिकेट दैट करिकुलम विद द स्टूडेंट्स, एंड लास्ट डी मतलब डिलीवर कीजिए, आप डिलीवर कीजिए प्लान टू द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, आप उनको बताइए कि ये हमारा प्लान है, इस तारीख को हम ऐसे परीक्षाएं कराएंगे, कोई भी जगह से ये आपका परीक्षा सेंटर इससे ज्यादा दूरी पर नहीं है, ये इस तरह हम यहां पे परीक्षाओं को करा के इस दिन हम रिजल्ट घोषित करेंगे और इस दिन से हमारा सत्र चालू हो जाएगा। तो आपको जब तक आप RID फॉर्मूला नहीं लागू करोगे, बच्चों का कॉन्फिडेंस गेन नहीं करोगे, बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो ये परीक्षाएं किसके लिए? मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि बच्चों के साथ हठधर्मिता छोड़ दीजिए, बच्चों के साथ अपने अहंकार को त्याग दीजिए और बच्चों के मन की बात सुनिए। बच्चे परीक्षाओं से नहीं घबरा रहे हैं, बच्चे किस तरह से आज परीक्षाएं होने जा रही है उसकी तैयारी कितनी है उस चीज को लेकर घबरा रहे हैं। आप 1 या 2 महीने में अपनी तैयारी को सुधारिए, उस तैयारी को सुधार के अगर आप परीक्षाएं कराएंगे तो बच्चे भी खुश रहेंगे, उनके अभिभावकों को भी पता रहेगा और बच्चों के सामने पूरा खाका आप प्रेजेंट कर दीजिए कि इस तरह परीक्षा होगी, इस तारीख को रिजल्ट आएगा और इस तारीख से एकेडमिक सत्र यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स और मेडिकल कॉलेजों का चालू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अगर भारत की सरकार मेरी बात सुन रही है, हट त्याग दीजिए, अहंकार त्याग दीजिए और बच्चों के मन की बात सुनिए। दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।